कहाँ से आए हो भैया आप? मदनपुर। मदनपुर यानी कानपुर बिहार। जी सर। तो किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? जीडी में। कौन से बैच में दौड़े थे? सातवें बैच में। कितने बच्चों का बैच बना? यही 350 लगभग 400। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? यही ऐसे 25। तो क्या कमी रह गई आपसे, कैसे आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए? सबसे पीछे लगे थे साहब। तो चार चक्कर कंप्लीट नहीं कर पाए? नहीं, दो चक्कर लगाए। आज क्या सीखा आपने, क्या सीख कर जा रहे हैं? अगली बार आएंगे तो फर्स्ट मारेंगे। वैसे क्या टाइमिंग रहती है होम ग्राउंड में? यही रहती है 5:20, 5:25। अभी टाइमिंग भी ज्यादा है, अभी तैयारी में कमी है ना। जी, आप दौड़े? जी सर। जीडी में? जीडी। कौन सा बैच था? सातवां ही बैच था। साथ ही थे? साथ ही। क्या कमी रही आपसे? बस वही बीच में फंस गए, इस वजह से नहीं निकल पाई। कितनी भर्तियां देख चुके हो? तीसरी थी ये मेरी। बाकी दो भर्तियां जो देखी हैं उनका क्या रिजल्ट रहा? उनका भी यही रिजल्ट रहा, नहीं रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अभी मौके हैं? हाँ अभी है एक मौका। हाँ कौन है? 440 वाले? 440 आप थे? तो 440 की टाइमिंग है आपकी। कितनी भर्तियां देख चुके हो? पहली भर्ती हुई हमारी। तो कैसे, क्या कमी रहेगी भैया? आज आप पीछे बैठे थे और पंदे लड़के आगे गिर गए और दो तीन ने पकड़ लिया पीछे, खत्म काम। अच्छा, कौन सा बैच? जीडी में थे? हाँ। हाइट कितनी है आपकी? 170। बैठा लिया जी। काफी बच्चे ये कह रहे हैं कि हाइट ज्यादा नाप रहे हैं शुरू में। नहीं, नहीं, कोई बात ऐसा नहीं, कुछ नहीं, वो गलत अफवाह है। तो कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की थी आपके बैच में से? हमारे बैच में थे वही 18 बच्चे थे मात्र। 18। कौन सा बैच था आपका? हाँ, 3 नंबर था। 3 नंबर। दौड़ाए कितने बच्चे थे उसमें? उसमें थे 340 बच्चे। 340। तो पीछे नंबर आया था, लेकिन टाइमिंग आपकी ठीक है, पॉसिबिलिटी तो थी जी। वो आगे पंदे बच्चे गिर गए भैया। अच्छा, बच्चे ना गिरते तो शायद हो सकता रनिंग क्वालिफाई कर लेते। तो आगामी डेज में 10 नवंबर तक कंटिन्यू भर्ती चलने वाली है जी, जी। और उन बंदों से क्या कहना चाहोगे जो आने वाले? कहेंगे अब की बार आओ हुनर के साथ, अब की बार माता पिता का सपना पूरा करो और अब की बार एक्सीलेंट रेस मारो। आपने आज यहाँ क्या सीखा भैया? हमने ये सीखा भैया, आने वाले हमारे भाई हैं छोटे वाले, हम जाकर उन्हें प्रेरित करेंगे कैसे आप लोगों को दौड़ना है वहाँ पर, और कैसे सुबह जाओ फार्म को जाओ, कैसे क्या खाना है ये बताएंगे उन्हें। और हम भी दौड़े थे? क्यों? मन नहीं था। तो फिर आए क्यों थे? रसीद रह गए। हाँ, एक सेकंड और मिलता बस। कौन सा बैच था तुम्हारा? हमारा चौथा। कितने बंदे दौड़ाए थे? अरे भाई 300 के लगभग। और रनिंग क्वालिफाई कितनों ने? लगभग 15। यानी 16-17 नंबर तुम्हारा था। पहली भर्ती है जी। टाइमिंग वैसे आपकी क्या रहती थी होम ग्राउंड में? अरे भाई 5:10। तो नंबर जब बैच बना था आपका, कहाँ आया था नंबर आपका? अरे लगभग वही 5वां था। नहीं, ऐसे बैच बनता है, नंबर आगे था, बीच में था या पीछे था? अरे बीच में था। बीच में? बीच में थे, इसलिए भी थोड़ा फर्क पड़ा है ना। तो आज आपने भैया क्या सीखा यहाँ? अरे और मेहनत करनी है बस। अभी पहली भर्ती है और जब तक मौके रहेंगे कोशिश करते रहेंगे और अग्निवीर बन के ही मानोगे ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। आप भी दौड़े थे? हाँ भैया दौड़े रहा जीडी में। हाँ बता दो मोदी जी से 24 में सत्ता खत्म है, सूरज पूर्व से उगता तो पश्चिम में अस्त होता है, ये याद रखे मोदी जी। कौन सी भर्ती भैया आपकी? भर्ती तो हमारे पहली ही थी। तो जीडी में कराया था सब कुछ बने यहाँ है, लेकिन जो अग्निवीर 4 साल की कर दी नहीं, बहुत गलत की नहीं। इसी से दिक्कत है। हाँ विधायक 7 बार बन जाए तो 7 बार की पेंशन, लेकिन सेना का ना ही है, देश गुलाम बनवाओ चाहते हैं, क्या मतलब है? हाँ यो करो चाहिए ठीक है तो आमन दो रनिंग कैसे नहीं कर? अरे वो कोई दिक्कत ना है, गांड मदम हुई है तो मरी बे ना ही दम हुई है ना ही। 4 साल से दिक्कत है, 4 साल से छाती में गुर्दा हुई है तो रेस फंसी है ना ही फंसी है, कोई दिक्कत ना है, दिक्कत 4 साल से। बिल्कुल बिल्कुल 4 साल के मोदी छाती लगाई है आके। बिल्कुल समय आएगा 24 में दो जवाब मैं बताई बे समय आएगा। और कौन, आप भी दौड़े थे भैया? आप कौन सी ट्रेड में दौड़े थे? हम जीडी में। जीडी में कौन सा बैच था आपका? सातवां। कितने बंदे दौड़ाए थे आपके? 60। और रनिंग कितनों ने क्वालिफाई की? 15। 4 चक्कर कंप्लीट कर पाए? हमने तीसरा राउंड देखा तो हमारे आगे 70 लड़का चल रहा था, तो हमने जब देखा कि 70 लड़का चल रहा था तो दौड़ने से कोई फायदा है नहीं, रुक गए। कौन सी भर्ती लाइफ की? ये हमारी दूसरी थी। पहली बार देखा था उसका क्या परिणाम रहा? पहली बार यही हुआ था, पहली बार कुछ हमारी मतलब तैयारी में कुछ तैयारी कम थी, इस बार तो हमने तैयारी बहुत बढ़िया की थी। टाइमिंग आती है 16 इस बार हमारी आती थी, ग्राउंड पे आती थी 5:10 आती थी, 5:10 5:5 आती थी।
क्या आज ने आज दूसरी बार तुम अपनी लाइफ की भर्ती देखने आए हो, क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अब यही सीखा कि अगर यही बैच अगर 15 की जगह अगर 30 या 35 पकड़ते तो शायद हो सकता था। कितने पकड़े तुम्हारे? मगर तुम्हारे बैच में कितने उन्होंने क्वालिफाई की? 15 360 में। कितने बजे एंट्री ली थी आप? हमने एंट्री ली थी रात में वही लगभग 2 बजे। चेक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किए जा रहे हैं? आए और निवास, आधार कार्ड और मार्कशीट ओरिजिनल। तो अभी और मौके होंगे? अब मौका एक बचा है बस। तैयारी बरकरार रखोगे या स्टॉप? तैयारी तो देखो सर जी, का बात यह है कि हमें फौज बनना है तो खाली फौजी, अगर फौजी नहीं बने तो भी बंदी यही मुरैठा करीबी किसानी, ओबर भी पैसा आए नहीं कहूँ। फौजी बनने का जज्बा? बस बस, फौज के अलावा मैं आज तक फार्मर नहीं डारू कहूँ, हकीकत है। करे इंटर सब कुछ बैठने, मगर डारा तो हमेशा फौज है, पुलिस की नहीं करिया हुआ है, चाय जाए के लिए करिया हुआ है, पेट नहीं करे कुछ नहीं करे, मगर हमें नहीं डरना होगा। नहीं, आपको भी एक और मौका मिल सकता है। एक मिली है, एक बची है, लेकिन टाइमिंग थोड़ा और कम कीजिए, लगभग 5 मिनट के लगभग लाइएगा तो हो सकता है कि आपका सपना पूरा हो जाए। वैसे तो आगे नंबर अगर आपका आ जाता बैच में तो आप रनिंग क्वालिफाई कर ले कर देते, ये तो है। पर ऐसे ये चलो, ये तो अब आगे सबका तो आ नहीं सकता, कुछ ही लोगों का। आप भी दौड़े थे भैया जी? आगे आओ। जीडी में कौन सा बैच था? ये 8वां बैच। कितने बच्चों का बैच था आपका? 300 बच्चों का बैच। और रनिंग कितनों ने क्वालिफाई की? समथिंग 15-20 लोगों ने। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई आपसे? नहीं, तैयारी नहीं थी मेरी, जो बात है। क्या टाइमिंग थी वैसे? नहीं, जो मेरा है मतलब लॉन्ग रनिंग की थी, 5 किलोमीटर की मेरी तैयारी थी, ये 1600 मीटर की नहीं थी मेरी। गेम, गया, गेम, गया। गेम खेलते हो क्या? गेम 5 किलोमीटर? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी सियाई सब था ना, उसकी मैंने तैयारी की थी, इसकी मैंने नहीं की। जब इसके मैंने लेकिन फॉर्म डाल दिया था, लेकिन तैयारी की थी इसलिए तैयारी नहीं की ना, बस 1 महीने गया था, फिर उसके बाद नहीं किया। कौन सी भर्ती है ये तुम्हारी? पहली है मेरी, पहली है। वैसे तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस ठीक रहा, ज़्यादा ना कुछ खास नहीं, हाँ ठीक रहा। बस फौजियों का व्यवहार कैसा लगा? गाली गलौज मारपीट? अब ये चीज़ तो मतलब जो गलती करेगा तो उसको गालियाँ पड़ेंगी, ये तो बनी बनी कॉमन है, ये तो कॉमन है। अब जब तक डराएंगे नहीं तब तक कोई दबेगा नहीं, उनका काम है डराना। बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा। आप भी दौड़े थे जीडी में? दौड़ने का मौका मिला? कौन सा बैच था आपका? 8वां था। कितने बंदे दौड़े? 300+ होंगे। 4 चक्कर लगा पाए? नहीं लगा पाए, 4 चक्कर लगा पाए, पर आगे बहुत लोग गिर रहे थे तो उनके चक्कर में ये लगता था कहीं कुछ हम भी ना गिर जाए। कैसे रहे वो, फिसल रहे ओस से क्या है? वो एक तो गीला है तो गीले की वजह से, और लड़के पैर लगा देते हैं उसकी वजह से बहुत लड़के गिरते हैं। एक तो मेरे ग्रुप में एक का तो पैर ही टूट गया था। आप तो नहीं गिरे? नहीं, मैं नहीं गिरा, बच गया, पर 200 मीटर से रस्सा खिंच गया। तो पहली भर्ती है लाइफ की? हाँ, पहली भर्ती है। अनुभव सही रहा? हाँ। तो देखिए, काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो कानपुर में जो भर्ती प्रक्रिया का आयोजन चल रहा है, और 20 अक्टूबर से लगातार हम पहले दिन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आज भर्ती प्रक्रिया का 19वां दिन था, और आज कानपुर नगर और देहात जिले के अभ्यर्थी यहाँ अग्निवीर बनने का सपना लेकर आए थे। लेकिन हमने लगभग 19 दिनों में एक बात नोटिस की है कि इस भर्ती में लगभग पहली बार ज़्यादातर अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, तो जिन्हें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से काफ़ी सारे अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं कि यहाँ उन्हें चोटें आई हैं, कुछ के पैर भी टूटे हैं, क्योंकि वो दौड़ने के जब बैच बनता है, जब उन्होंने दौड़ लगाई थी ग्रुप बनाता, तो वहाँ वो गिर गए थे, इस वजह से काफ़ी चोटें हुए हैं। तो मैं जो आगामी डेज में अभ्यर्थी जो पहली बार इस भर्ती में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि दौड़ते समय सावधानी बरतें, और रनिंग क्वालिफाई नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को यहाँ से सुरक्षित लेकर ही जाएं। अगर आप सही सलामत यहाँ से वापसी करते हैं तो अगली बार भी आप दौड़ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पैर की हड्डी वगैरह अगर टूट जाती है तो फिर आप रनिंग करने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो अभी ये जीडी ट्रेड के अभ्यर्थी थे, अन्य ट्रेड के अभ्यर्थी भी आने वाले हैं, उनसे भी हम आपकी बातें कराएंगे, और पल पल की खबरें 10 नवंबर तक कंटिन्यू आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक लिए आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।